देखिए, राहुल गांधी जी का वन पॉइंट एजेंडा है कि बिना मुंह धोए मोदी जी को कोसना। सुबह उठ करके हाथ मुंह धोए बिना मोदी जी को गाली देना शुरू कर देते हैं। और जो आदमी, जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि अपना जूठा पानी अपने सर पे नहीं डाला जाता, वो आदमी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। सच बात यह है कि राहुल जी को भारत, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की परंपराएं, उनका बोध नहीं है। विदेशी परिवेश में पले बढ़े राहुल गांधी जी को पहले भारत को जानना होगा, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री पर बोलने का प्रयास करें। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो लोग हम लोगों को सहजादा कहते हैं वो घबराए हुए लोग हैं, और इस बार जो दो सहजादे हैं वो इनको मात देने का काम करेंगे। अब जी को शहजादा नहीं कहना चाहिए, सच मायने में तो जिस तरह औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहां को जेल में डाला था, और भारत का नहीं दुनिया का इतिहास गवाह है, उन्हें शहजादे की जगह औरंगजेब कहना चाहिए। भारतीय इतिहास में, ना दुनिया के इतिहास में ऐसी कहीं मिसाल नहीं मिलती है। एक तो औरंगजेब और शाहजहां की मिलती है, दूसरी समाजवादी पार्टी की मिलती है। शर्मसार किया है उन्होंने रिश्तों को। कांग्रेस के नेताओं के द्वारा अब कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री 400 पार का नारा अब नहीं दे रहे हैं, उनको एहसास हो गया कि 400 पार नहीं हो रहा है। इस श्रृंखला में प्रियंका गांधी का भी नाम शामिल है, वो भी इस बात का जिक्र कर रही है। 4 तारीख, 400 पार, 4 तारीख आने दीजिएगा। इससे पहले कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे, उन्होंने कहा कि टीएमसी संघर्ष कर रही है आज पश्चिम बंगाल में, इसीलिए बीजेपी के नेताओं की गिरफ्तारी की जा रही है। सीटों की भी जिक्र किया कि विधानसभा में हम लोग कमजोर थे, पर किस तरीके से मजबूत होकर भारतीय जनता पार्टी जो है बंगाल में उभरी है। उन्होंने ये भी कहा कि टीएमसी को यहाँ पर पनिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो नौकरियों को खाने का काम किया है, भ्रष्टाचार करने का काम किया है। मुझे लगता है 2024 के इस लोकसभा चुनाव में वेस्ट बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी का काम करेगा। वेस्ट बंगाल में हिंदुत्व जागृत हो चुका है, और जब हिंदुत्व जागृत होता है तो जय श्री राम से चिढ़ने वाले लोगों की लंका दहन हो जाती है। ममता दीदी के प्रति मेरी बड़ी सहानुभूति है, हमेशा रही है, लेकिन इस बार टीएमसी का बोरिया बिस्तरा बंगाल की जनता ने बांधने का फैसला कर लिया है। ममता जी अपने जीवन की सबसे बड़ी क्राइसिस से गुजर रही हैं, और 4 जून के बाद टीएमसी कई भागों में विभाजित हो जाएगी। आखिरी सवाल है, जिस तरीके से आरक्षण को एक बड़ा मुद्दा बनाया अपोजिशन ने, हालांकि प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र बार बार कर रहे हैं कि सबसे बड़ी दुश्मन अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, और इनके एजेंडा में मुस्लिम लीग का एजेंडा नज़र आता है, माइनॉरिटीज़ को ये लोग रिजर्वेशन देने का काम करते हैं। पश्चिम बंगाल में भी इस बात का जिक्र किया कि टीएमसी ने भी ऐसा ही कुछ किया, अपने वोट बैंक के लिए सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुँचाया। देखिए, कांग्रेस भंवर में फंस चुकी है, और कांग्रेस को भंवर में लाने का काम किसी गैर ने नहीं किया है, कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं ने किया है। कांग्रेस की नैया को पार कराने की जिम्मेदारी राहुल गांधी जी की थी, और राहुल गांधी जी अपने पिछले 12-14 साल के इस कार्यकाल में, राजनीतिक इस पीरियड में, कांग्रेस की नैया को भंवर में डाल करके और अब अपने ऊपर झूठा हुआ पानी पी करके अपनी गर्मी मिटा रहे हैं।
मुझे लगता है कि अब कोई रास्ता बचा नहीं है। राहुल गांधी जी कांग्रेस के खेवनहार थे, लेकिन राहुल गांधी जी कांग्रेस के बंटाधार बन चुके हैं।